इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। च्यवनप्राश के डब्बे में बेसन और पेप्सी की बोतल में खाने का तेल, इन सब के बिना हम भारतवासियों का घर पूरा नहीं होता। मतलब ये कि पुराने सामान का क्या उपयोग करना है, हम उसमें एक्सपर्ट होते हैं। अब इसी तर्ज पर पुराने स्मार्टफोन के सही उपयोग पर भी बात करते हैं। नया फोन खरीद लिया और पुराना बेच दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुराना फोन घर पर पड़ा रहता है और दिवाली की सफाई में या तो फेंक दिया जाता है, फिर किसी बच्चे के बस्ते की शोभा बन जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुराने स्मार्टफोन से भी कमाल किया जा सकता है। कैसे, सब कुछ बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। दी लल्लन टॉप अब कुटुंब ऐप पर आ गया है, मतलब अब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंदीदा खबरें, वीडियोस और डेली शोज, साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका भी। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से जुड़ें। तो पुराने स्मार्टफोन को किस तरह उपयोग में लाएं? शुरू करते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट से। बिना वाईफाई के आजकल कोई काम नहीं होता, और यदि आपके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो पुराना स्मार्टफोन सबसे सही जुगाड़ है। एक वाईफाई डोंगल लेंगे तो कम से कम 2000 रुपए खर्च होंगे, लेकिन आपके पुराने स्मार्टफोन से यही काम फ्री में हो जाएगा। एक सिम लीजिए और उसमें डेटा प्लान वाला रिचार्ज कर अपने पुराने स्मार्टफोन को लगा दीजिए काम पर। करना कैसे है, बस स्मार्टफोन की सेटिंग्स में नेटवर्क वाले विकल्प पर जाइए और ऑन कर दीजिए हॉटस्पॉट। सिक्योरिटी कैमरा, आप घर या ऑफिस में सिक्योरिटी कैमरा यूज करना चाहते हैं तो पुराना स्मार्टफोन आपके काम आ सकता है। किसी भी ऊंची जगह पर लगा दीजिए या फिर स्टैंड पर रख दीजिए, बिना कोई अतिरिक्त खर्च आपका सिक्योरिटी कैमरा तैयार हो गया। अपने नए स्मार्टफोन और पुराने हैंडसेट में एल्फ्रेड सीसीटीवी ऐप या फिर आईपी वेबकैम जैसे कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद दोनों फोन पर अपने जीमेल से लॉग इन कीजिए और सीसीटीवी कैमरा हो गया तैयार। लैपटॉप वेबकैम, लैपटॉप या कंप्यूटर पर वेबकैम होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी कोई खास नहीं होती। अभी भी जूम कॉल का दौर खत्म नहीं हुआ है, तो अच्छी वीडियो क्वालिटी के लिए पुराने स्मार्टफोन का कैमरा लैपटॉप के कैमरे से हमेशा बेहतर ही रहेगा। अपने पुराने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाकर पहले डेवलपर ऑप्शन ऑन कीजिए। डेवलपर ऑप्शन तक पहुंचने के लिए अबाउट फोन वाले विकल्प में जाएं, वहां बिल्ड नंबर लिखा हुआ मिलेगा, उस पर लगातार टैप कीजिए, फिर डेवलपर ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। फिर USB डीबगिंग को ऑन कीजिए। अब लैपटॉप या कंप्यूटर से USB केबल के जरिए कनेक्ट कीजिए। Google Play स्टोर से अपने स्मार्टफोन में IV Cam ऐप डाउनलोड कीजिए। यही ऐप आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर भी डाउनलोड कीजिए कंपनी की वेबसाइट पर जाकर। इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा कीजिए और आपका काम हो गया। आपके लैपटॉप पर इस ऐप के जरिए आपके फोन के कैमरा का आउटपुट नजर आने लगेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि स्मार्टफोन के आउटपुट को वेबकैम के लिए इनपुट कैसे बनाया जाए। यहाँ बदलना होगा सोर्स को। जब वेबकैम इस्तेमाल हो रहा है किसी ऐप पर, वहां पर आप कैमरे का सोर्स बदल दें, उसे IV कैम कर दें। लैपटॉप माउस, पुराना स्मार्टफोन एक बढ़िया माउस का काम भी बखूबी कर सकता है। अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप पर वाईफाई माउस ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके हैंडसेट और लैपटॉप एक ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हों। अब आएगी बात परमिशन देने की। इसके बाद पल भर में आपका फोन ट्रैकपैड का काम करने लगेगा। आप फोन को मीडिया कंट्रोल के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिजिटल फोटो फ्रेम, आजकल स्मार्टफोन छोटी स्क्रीन साइज के तो रहे नहीं, तो आपका ओल्ड स्मार्टफोन पुरानी यादों को सहेजने का काम बखूबी कर सकता है। अपने पुराने स्मार्टफोन में फोटो ट्रांसफर कीजिए और एक बढ़िया सा स्टैंड खरीद कर लगा दीजिए। फोन का फोटो ऐप स्लाइड शो का ऑप्शन देता है। यदि आपके फोन में नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर कर दीजिए स्लाइड शो शुरू। आप चाहें तो वर्किंग डेस्क पर रखकर डिजिटल क्लॉक या डिजिटल कैलेंडर भी बना सकते हैं। कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम, कार में बेहतरीन इंफोटेनमेंट अभी भी सभी के लिए सुलभ नहीं है। म्यूजिक सिस्टम तो होता है, लेकिन स्क्रीन अभी भी सभी कारों का हिस्सा नहीं है। आप अपने फोन को इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फोन को कार के सिस्टम से कनेक्ट कर दीजिए, फिर गाने सुनिए या मैप्स चलाइए, दोनों ही स्थिति में बाकी काम म्यूजिक सिस्टम को करने दीजिए। ऑनलाइन क्लास, पुराने स्मार्टफोन में बच्चे की ऑनलाइन क्लास का ऐप डाउनलोड कीजिए और क्लास के समय आपके फोन के इस्तेमाल से मुक्ति। एक बात का ध्यान रखिए कि सिर्फ सीमित ऐप्स ही डाउनलोड कीजिए और स्क्रीन टाइम भी लिमिटेड रखिए, जिससे बच्चे की सेहत पर असर ना पड़े। हमें पूरा भरोसा है कि पुराने स्मार्टफोन का इस्तेमाल बस इतना नहीं होगा, और भी तरीके होंगे जो आपको पता होंगे, तो कॉमेंट बॉक्स में आप उन्हें हमसे साझा कर सकते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी सूर्यकांत। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।